तो आइए हम देखते हैं कि ऊन का कारोबार कैसे चलता है तथा उसमें कितने लोग कार्य करते हैं। भेड़ों को उनकी ऊन के लिए पाला जाता है। ऊन को हाथ और मशीन दोनों से ही निकाला जाता है। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बिजली का साधन नहीं है, वहाँ हाथों से ही ये काम किया जाता है। भेड़ से ऊन साल में 2 से 3 बार ही निकाली जाती है। एक भेड़ से एक बार लगभग 1.5 से 2 किलो ऊन प्राप्त की जा सकती है। ऊन निकल जाने के बाद भेड़ भी हल्का महसूस करती है, और जो लोग ऊन निकालने का कार्य करते हैं, ये उनका पुश्तैनी कार्य है, वह यही उनकी जीविका है। ऊन को उनके रंगों के अनुसार ऊनी थैलों में भरकर पहाड़ों से नीचे की तरफ लाया जाता है। ऊन निकालने के बाद पहले चरण में ऊन की सफाई तथा ऊन को नर्म किया जाता है। पहले ये काम हाथों से किया जाता था, पर बाद में इसके लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रश को ऊन में कंघी की तरह चलाकर उसे नर्म किया जाता है। आधुनिक विकास के चलते अब इस काम को पानी और बिजली से चलने वाली मशीनों द्वारा किया जाता है। अब लोग भी हाथ के बजाय मशीनों का प्रयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत के साथ साथ काम की दक्षता भी बढ़ जाती है। ऊन अब सूत में काटे जाने के लिए तैयार है। ये कार्य चरखे की मदद से किया जाता है। काटते समय 2 प्रकार के सूत प्राप्त किए जाते हैं, पक्का सूत और कच्चा सूत। यहाँ पर औरतें अपने मन की बातें भी कर लेती हैं और नए नए गीतों का भी निर्माण कर लेती हैं। दो पक्के सूत को चरखड़ी पर हाथों से मिलाकर और पक्का किया जाता है।